किसान हुए नाराज। 2019 की सोयाबीन की फसल बीमा सूची ने मक्सी के किसानों के नाम नहीं होने से नाराज हुए किसान और नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा तक रहा जाम, जहां 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। किसानों का कहना है कि खेती लगातार घाटे का सौदा बन रही है और सोयाबीन की फसल में लागत भी ज़्यादा लगती है। हम अपनी फसल का बीमा करवाते हैं और बीमा की प्रीमियम राशि जमा करते हैं, पर हमारी बीमा राशि नहीं मिली है, जिससे हम परेशान हैं। और जब अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। और यहां तक कि इतनी बड़ी लापरवाही है मक्सी में कि सूची में नाम ही दर्ज नहीं किए हैं और सूची ही कम्प्लीट नहीं हुई है, तो फिर किसान को कैसे लाभ बीमा राशि का मिल पाएगा। करीब 19 की जो फसल ख़राब हुई थी किसानों की, उसके बीमा राशि नहीं मिलने के लिए आज किसानों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया था। वो तो किस प्रकार से परेशान, पिछले साल 2019 में जो सोयाबीन की फसल ख़राब हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना यह है कि फसल का बीमा कराया जाए। उसी के पालन में हम किसान लोग 2016 से अपनी फसल का बीमा करवाते आए हैं। उसमें सिर्फ एक ही बार हमें बीमा मिला, बाकी हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। बैंक के द्वारा हमारी प्रीमियम तो काटी जाती है, पर जब हमारा नुकसान होता है तो बदले में कुछ नहीं मिलता। 2018 में भी आधे किसानों को मिला है और आधे को नहीं मिला। इस मामले में मक्सी और गड़ोली के जो किसान हैं, पटवारी हल्का नंबर 61, आज आक्रोशित होकर एक छोटा धरना प्रदर्शन सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए किया गया, जो आने वाले दिनों में। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।